एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो टाइटल्स देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। सो यस, फाइनली आई एम शेयरिंग माय कंप्लीट किचन टूर। एम्प्टी किचन टूर होने वाला है, मतलब जो कंप्लीट अभी ऑब्वियसली मेकओवर के बाद दिखेगा वैसा कुछ नहीं है। काफी सारे जो फिनिशिंग टचेस होते हैं वो अभी रह गए हैं, जस्ट जो होना बाकी है, फैन लगना बाकी है, एक आध दो और चीजें लाइटिंग वाइटिंग का काम होना बाकी है। ये जो वीडियो है ना, ये काफी लंबा होने वाला है। सो ग्रैब सम स्नैक्स, कॉफी या चाय कुछ आप ले लीजिए और आराम से रिलैक्स होके बैठिए। एंड ये उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग अपना किचन प्लान कर रहे हैं या जो बनवाना चाहते हैं किचन को इस तरीके का। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको हेल्प मिल जाए इस मेरे एक्सपीरियंस से, वैसा वीडियो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो काफी डिटेल्ड रहेगा, मैंने क्या सोच के क्या बनवाया और क्या सोच के क्या नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनवाया, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। द टोटल बजट ऑफ द किचन विल नॉट गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो, वो मैं अलग से बजटिंग वाला वीडियो, घर में हमारा टोटल एक एक मतलब एक चिमनी कितने हजार की आई, ये कितने हजार का है, वो सब मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ बजट ही रहेगा, वो हम बिल्कुल बाद में कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैंने जस्ट फेस वेस वॉश कर लिया है एंड लिप बाम लगा लिया है। फेस पे भी मैंने कुछ नहीं लगाया है। एज यू कैन सी माई आईज आर थोड़ी टायर्ड, आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, टायर्डनेस दिख रही होगी बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन एंड एवरीथिंग, लैक ऑफ स्लीप की वजह से मेरे फेस पे आपको दिख रहा है। सो यूजुअली बहुत लोगों के डे टू डे लाइफ में जब भगदड़ मचती होगी तो आई एम श्योर ऐसा हो जाता है, फेस पे थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। तो हम लोग इन द वर्ल्ड ऑफ क्विक फिक्सेस हम क्या करते हैं, यूजुअली कोई भी केमिकल से भरा हुआ प्रोडक्ट लगा लेते हैं जस्ट टू गेट इंस्टेंट शाइन ऑन आर फेस, क्योंकि रेगुलर यूज से हमारे स्किन का जो नेचुरल रेडियंस होता है वो चला जाता है। बट विद मामाअर्थ यू कैन गेट द डिजायर्ड स्किन जो कि हेल्दी भी रहेगी, रेडियंट लुकिंग रहेगी और कोई भी उसमें केमिकल्स नहीं रहने वाले हैं। प्रेजेंटिंग द मामाअर्थ स्किन एल्यूमिनेट फेस क्रीम फॉर योर डेली डोज ऑफ रेडियंस। दिस क्रीम इज क्राफ्टेड विद गुडनेस ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड टर्मरिक, पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट, मॉइस्चराइज करती है, बूस्ट करती है कोलेजन प्रोडक्शन को और आपको इंस्टेंट ग्लो देती है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी टू अब्सॉर्ब है, नॉन स्टिकी है, ये एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है आपकी डेली क्रीम का। आपको इसको डेली यूज करने के लिए जरा भी सोचना नहीं है बिकॉज ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये होता है इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन एंड हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है विटामिन सी एंड टर्मरिक। विटामिन सी बूस्ट द कोलेजन प्रोडक्शन और आपको एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके अंदर टर्मरिक मिला हुआ है विच इज एनरिच विद एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ब्रिंग्स आउट द स्किन नेचुरल रेडियंस ऑफ द शिफ्टिंग एंड एवरीथिंग। एक महीने से माई स्किन इज नॉट डूइंग वेरी वेल, यू कैन सी लॉट ऑफ मार्क्स ऑन माई स्किन एज वेल। ये क्रीम बेसिकली करता क्या है, ये इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है नेचुरली, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बना हुआ है, लाइट वेट मॉइस्चराइजिंग, नॉन स्टिकी है, क्विक अब्सॉर्ब हो जाता है, सन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। इस क्रीम का जो कॉस्ट है वो है ₹249, जिसमें 80 ml का आपको प्रोडक्ट मिलता है और 3 months तक ये लास्ट करता है। काफी लोगों को लगेगा ये एक्सपेंसिव है, बट एक्चुअली में आप ये देखो कि ये चलता कितना ज्यादा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट मामाअर्थ की वेबसाइट पे एंड साथ ही साथ ऐप में भी। मामाअर्थ का ऑफिशियल ऐप है फॉर एंड्रॉइड एंड iOS यूजर्स के लिए, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड हेंस गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मामाअर्थ का प्रोडक्ट जब भी मामाअर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हैं, मामाअर्थ विल ऑल्सो लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसके पीछे का पर्पस ये है, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ आप अर्थ को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, चेक जरूर करिएगा प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी लाइट वेट एंड नाइस मॉइस्चराइजर। सो अब फेस मॉइस्चराइज हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं। किचन टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे किचन के। सो सबसे पहला तो ऑब्वियसली ये था कि मेरा एक पहला सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट था वो ये था कि आई वॉन्टेड अ कम्प्लीट व्हाइट किचन। हम लोगों को ऑब्वियसली ग्लॉसी फिनिश में जाना था क्योंकि ग्लॉसी फिनिश जो होती है ना उसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको सिर्फ कोई भी चीज़ को वाइप ऑफ करना होता है एंड आपका जो भी स्टेन होता है या कोई भी दाग होता है या कुछ भी होता है वो बहुत आराम से निकल जाता है। तो आई वॉज वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर अबाउट फ्यू थिंग्स कि मुझे क्या क्या नहीं चाहिए था। मुझे हॉब नहीं चाहिए था, इसका बहुत बड़ा मेजर और बहुत ही तरीके से, मतलब जब से मैंने घर लिया हुआ है, मुझे घर लिए हुए ऑलमोस्ट 9-10 months हो गए, घर लिया है तब से मेरे दिमाग में ये बहुत आराम से क्लियर था कि मैं जब भी किचन बनवाऊंगी मैं उसमें हॉब नहीं लगवाने वाली हूँ। दूसरा, मुझे शटर नहीं चाहिए था। आजकल शटर भी बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छा लगता है, ट्रेंडी लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शटर भी इज ऑल्सो हाई मेंटेनेंस थिंग। अभी नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद कभी ना कभी वो जो शटर के कॉर्नर्स होते हैं ना उसमें 110% किचन है, ऑयल जमना ही जमना है। और जब उसमें ऑयल
बन जाएगा तो उसकी क्लीनिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड यू नो बहुत सारे हो सकता है मेंटेन करने वाले मेंटेन भी करते हो, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं नहीं कर पाऊंगी उसको मेंटेन, सो मैंने वो भी कट कर दिया. नेक्स्ट मैंने डिश वॉशर कट कर दिया था क्योंकि डिश वॉशर भी मुझे पता है कि आज से 5 साल या 6 साल, आई नो डिश वॉशर इज अ नेक्स्ट जनरेशन थिंग, बट वी वर नॉट इन टू दैट. हमको डिश वॉशर नहीं लगवाना था और हमारे किचन में काफी स्कोप था. डिश वॉशर हम आराम से कहीं पे भी लगवा सकते थे. इट्स अ अच्छा खासे साइज का किचन है. ग्रॉसरी कैबिनेट अलग से आता है जो कि आप उसको ओपन करो तो पूरा सब आपने देखा होगा इस तरीके का. मैं कुछ पिक्चर डाल दूंगी अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस का होगा तो. मतलब आगे मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती जाती है. आपका पैसा तो लग ही रहा है, साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस भी उसका हाई हो जाता है. एंड अगर वो कभी गंदा हो जाता है तो ये हो जाता है तो आप खुद से तो उसको क्लीन कर ही नहीं सकते हो. 3 चीज़ें बिल्कुल कट डाउन हो गई थी कि ये नहीं करवाना है. अब आती है डिज़ाइनिंग की बारी, तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी कि अगेन मैंने वही आईपैड में ले करके अपना बना बना करके किचन में किसते मुझे कैबिनेट चाहिए क्या चाहिए वो मैंने बनाया था. 2 से 3, 3, 4 मैंने ओपन शेल्स रखी हुई हैं जस्ट टू डिस्प्ले माई कलरफुल थिंग्स. थोड़ा मैं कलर्स ऐड करूंगी बिकॉज वाइट किचन रहेगा. किचन टूर स्टार्ट करने से पहले मैं एक और छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी जो कि काफ़ी कंपलसरी और मैंडेटरी मुझे लगती है. तो जब हम किचन अपना बना रहे थे, अब हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि हमको किस मटेरियल में किचन बनवाना है, तो अनन्या ने मुझे स्पेसिफिकली काफ़ी स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें तेरे को लगाना चाहिए, मतलब प्लेटफॉर्म क्या लगाना चाहिए और मटेरियल क्या यूज़ करना चाहिए. सो हम लोग पहले तो ऑब्वियसली ब्रांड्स के पास गए थे क्योंकि हमारा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था कि हम यहाँ रहने नहीं वाले, हम भोपाल रहने वाले हैं. अप डाउन करते रहेंगे बट फिर भी हम ये चाह रहे थे कि हमारे पीछे से काम हो जाए. तो ये जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, आप किसी भी ब्रांड का नाम ले लो जो ये किचन बना के देते हैं, बड़े से बड़ा नाम ले लो, उन सबके पास मैं गई थी कोटेशंस लेने के लिए. और सबके पास ऑलमोस्ट सेम ही तरह के कोटेशन मुझे मिल रहे थे, सबके पास सेम कोटेशन मिल रहे थे. इवन लोकल वेंडर से भी हम बात कर रहे थे तो यही अप्रॉक्सीमेटली रेट आ रहा था. और हम ब्रांड के पास जा रहे थे तो एक इंसान ये सोचता है कि यार चलो लोकल वेंडर के पास भी वही रेट आ रहा है और ब्रांड के पास भी वही रेट आ रहा है तो हम ब्रांड के पास जाते हैं क्यों. एक तो वो 10 साल की हमको वारंटी दे रहा था और दूसरी चीज़ ये है कि हम वहाँ पर पीछे उनके साथ एक सुपरवाइजर इंजीनियर भी मिलता जो कि सुपरवाइज करता हमारा बार बार दिमाग का दही नहीं होता. तो हमने ये सोच करके हमने एक ब्रांड को फाइनलाइज किया. उस ब्रांड को फाइनलाइज करने का दूसरा मेजर ये रीज़न ये था, बाकी सब हमको जो 5-5 लाख का कोटेशन दे रहे थे उसने हमको 3.5 लाख का कोटेशन दे करके रखा था. तो आई वॉज वेरी इंप्रेस. मैंने कहा यार 3.5 लाख का कोटेशन दे रहा है, इतना बड़ा ब्रांड है. अभी आप देखेंगे तो उसका एक सेलिब्रिटी लोग TV पे ऐड करते हैं उन ब्रांड का. तो वहाँ हमारा फाइनल हुआ विक्की और मैंने डिसाइड किया कि येस लेट्स गो टू दिस ब्रांड, खत्म करते हैं इसको फाइनल करके. विक्की नेक्स्ट डे ऑफिस चला गया. मैं सुबह जैसे ही मॉल ओपन हुआ और मॉल के अंदर वो जो शॉप ओपन होनी थी जितने बजे उन्होंने मुझे बोला कि हमारा इतने बजे ओपन होता है, मैं उतने बजे लिटरली सुबह 11 बजे उनके पास पहुंच के बैठ गई सबसे पहले. और मैं उस दिन चेक लेकर के गई थी कि मैं इनको फाइनल करके आऊँगी. बुकिंग अमाउंट 30,000 होता है, वो देकर के आने वाली थी. एंड बुकिंग अमाउंट देने से पहले उनका एक प्रोसेस होता है, डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है. डिज़ाइनिंग में बहुत टाइम लगता है, अगर आप कभी गए हो ऐसे किसी उसमें तो डिज़ाइनिंग में काफ़ी टाइम लगता है. तब हम लोगों ने सिलेक्शन इस तरीके से किया था क्योंकि हमारा बजट 5 लाख जा रहा था विद एक्रेलिक. तो हमने ये सोचा था कि हम नीचे का जो पोर्शन है वो लैमिनेट करवाते हैं और ऊपर का जो पोर्शन है वो एक्रेलिक करवाते हैं. विक्की को तो फुल किचन एक्रेलिक चाहिए था लेकिन मेरा ऐसा था कि यार इतना क्यों पैसा बर्बाद करना है, एक्रेलिक ऊपर करा लेते हैं, नीचे लैमिनेट करा लेते हैं, हाई ग्लॉस लैमिनेट जो होता है. सो इनके पास हम गए तो उन्होंने हमको बजट 3.5 लाख का इस उसमें करके दिया था. जिस दिन मैंने उनसे बात करी थी, बहुत दिन से प्रोसेस चल रहा था, ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन हो गए थे, तब कोई और बंदा इंजीनियर था, सेल्स का बंदा अलग था, इंटीरियर का बंदा अलग था और ये जो डिज़ाइनिंग करता है वो बंदा अलग था. 4 बंदों से तो अलग कोऑर्डिनेशन हो रहा था. अभी मैं जिस दिन बुक करने के लिए गई थी उस दिन ये लोग नहीं आए थे, कोई और अलग 2 बंदे थे. इतने सारे लोगों के बीच में अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल कियोस होना कब स्टार्ट हुआ. तो मैं वहाँ पर 3 घंटे बैठी थी. मुझे जो बजट दिया गया था 3.5 लाख का, मैं वो दिमाग में लेके गई थी कि हाँ भैया 3.5 लाख का हमारा फाइनल होने वाला है. डिज़ाइनिंग वगैरह हुआ 3 घंटे में कि मुझे कहाँ क्या कैबिनेट चाहिए, कितना बड़ा मुझे टैंडम ड्रॉअर मुझे कहाँ चाहिए, कौन सा, मतलब ये सब चलता है कि किस तरह प्लेटफॉर्म आने वाला है किधर. क्योंकि हम पूरा किचन जो है तोड़ करके बनवाना चाह रहे थे फ्रॉम द ज़ीरो. हमारा किचन पूरा टूटा है और फिर बना है. वो सब हुआ, बनने के बाद मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1:30 बजे तक मैं बैठी, 1:30-2 बजे तक के हमारा डिज़ाइन फाइनल हुआ. एंड उस बंदी ने मुझे कोटेशन दिया 5 लाख का. एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने बोला 5 लाख, देयर वाज सम मिस्टेक, आप मेरे को वो पुरानी वाली स्लाइड दिखाओ जिसमें मेरा बजट 3.5 लाख था.
तो वो कंफ्यूज हो गई, वो बोलती नहीं वो उसको स्लाइड आधा घंटा हो गया उसको वाली स्लाइड ही नहीं मिली जिसमें 3.5 लाख का बजट मेंशन था। मैंने मेरे सेल्स मैनेजर जिससे मेरा कोऑर्डिनेशन पूरा चल रहा था, जो मुझे डील कर रहा था, जो मुझे बेच रहा था ये सब चीज़ें, उससे मैंने कॉल किया। वो उस दिन ऑफिस नहीं आया था, मैंने उसको बताया। वो समझ गया कि देयर वाज सम बिग ब्लंडर हुआ इस सबके बीच में एंड उसने मुझे बोला मैडम आप मुझे आधा घंटा दीजिए मैं सब सॉर्ट करके आप। मैं बहुत ज़्यादा सटकने वाली थी, मैंने बोला आप एक काम करो, मैं उनके ऊपर भड़कती इससे बेटर है, मैंने बोला एक काम करो आप लोग ये जो कियोस है उसको सॉर्ट आउट करो, मैं नीचे जाती हूँ थोड़ा फ्रेश होती हूँ, खाना वाना खाती हूँ और फिर आती हूँ आपके पास, आप लोग भी थोड़ा वो करके शांति से बताओ मुझे क्या होने वाला है अब। एंड मुझे पता चला कि उतना ही बजट रहने वाला है, 5 लाख ही बजट रहने वाला है। एंड मैंने जब पूछा कि मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया गया इस 4 घंटे में, आपकी इतनी बड़ी टीम ने इतनी छोटी सी मिस्टेक नहीं पकड़ी, उनने गलती ये कर दी थी, जो पिछला बंदा था जिसने ये डिज़ाइन बनाया था उसने क्या किया था, नीचे लैमिनेट कर दिया था उनके सॉफ्टवेयर में, और ऊपर जो डिज़ाइन होती है ना वहाँ पे एक तरफ लैमिनेट एक तरफ एक्रेलिक एक तरफ लैमिनेट एक गेट एक्रेलिक का ऐसा कर दिया था, तो वो कॉस्टिंग एकदम कम हो गई और 3.5 लाख का कॉस्टिंग आ गया। तो बहुत हुआ उसमें, फिर मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब हुआ, मैंने विक्की को भी बताया और फिर मैंने उनसे ये भी क्वेश्चन किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आपके सुपरवाइजर होते हैं, आपके इंटीरियर डिज़ाइनर के भी 2 लेवल होते हैं वो भी चेक करते, किसी ने भी इतनी छोटी सी मिस्टेक सॉफ्टवेयर में जो गलती हुई है पकड़ा नहीं। और फिर मेरा दिमाग इस बात पर टन का, मैं भूल के भी आ गया कि कल को आप ये मिस्टेक मेरे साइट पर कर दोगे तो मेरा तो भाई है ना भाई वैसा हुआ। तो फिर मैंने कहा मेरा दिमाग एकदम वो हो गया, मैंने कट कर दिया उस ब्रांड को ही, मैंने बंद कर दिया। उस दिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरी अनन्या से बात हुई और उसको मैंने थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें बताई एंड शी सजेस्टेड मी समथिंग एज वेल। और उस टाइम पर उसकी यहीं पर मेरे सोसाइटी में लोकेलिटी में एक साइट चल रही थी जिसका वीडियो वो डाल चुकी है, 4 BHK घर का लग्जरी अपार्टमेंट, सो यहाँ पर उसका साइट चल रहा था एंड उसका किचन ऑलमोस्ट बन गया था। तो मैंने जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है अनन्या का जो पूरा यहाँ मुंबई में काम देखते हैं उनसे मेरी बात हुई, हमने जाकर के किचन देखा और किचन जब देखा और फिनिशिंग देखी आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि मुझे पता था अनन्या का काम टॉप क्लास ही होता है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सो मैंने फिर विक्की और हमने ये डिसाइड किया कि ठीक है बजट तो एक तरफ है यार, आप चलो इतना पैसा लगा रहे हो आप 1 लाख और बढ़ा दोगे, बट मेरा ये था कि हमारे एब्सेंस में काम अच्छा होना चाहिए, हमको कोई ट्रस्टवर्दी बंदा बंदी चाहिए जो ये मैनेज अच्छे से कर सके। तो अनन्या के कॉन्ट्रैक्टर को काफ़ी आइडिया था और अनन्या ने इधर से बोल ही दिया था कि वो घर का ही जैसी है मेरी तो उसको अब वैसे ही अब वो करना एंड ऑल दैट, तो उन्होंने बजट में काफ़ी हमको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे दिया था भैया ने। और तो किचन जो है मेरा उसके अनन्या के कॉन्ट्रैक्टर ने ही बनाया है। तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने G5 यूज़ किया है, मुझे सजेस्ट कर दिया था पहले तो अनन्या ने, काफ़ी पहले ही मुझे बता दिया था कि G5 प्लेटफॉर्म यूज़ करना, क्योंकि हम लोग काम करवा रहे हैं ना तो हमारा भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो विक्की यहाँ पर मुंबई में काफ़ी बड़ा मार्केट है, विले पार्ले में मार्बल मार्केट है जहाँ पर हर तरीके के स्टोन्स पत्थर मिलते हैं, उसके बारे में विक्की वहाँ ऑफिस से गया, उसने पता किया G5, G7, G10 के बारे में डिफरेंस पता किया, क्वार्ट्ज के बारे में पूछा क्वार्ट्ज और G5 में क्या डिफरेंस है, क्यों हमको क्वार्ट्ज के ऊपर G5 लगाना चाहिए, वो सारी चीजें हमने पता करी। और हमको एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर से तो ग्रीन सिग्नल मिल ही गया था कि गो फॉर G5 रादर देन क्वार्ट्ज, उसका रीजन भी क्या है वो भी हमको पता चल गया था कि क्यों हमको G5 पे जाना चाहिए। सो दिस इज़ आर किचन, द हार्ट ऑफ दिस होम, इस किचन की वजह से ये घर सिलेक्ट हुआ है, इस किचन का 60% हाथ है हमारे इस घर को सिलेक्ट करने में, दिस इज़ अ वेल लिट किचन। और अभी शाम के 6:15-6:30 बज रहे हैं, इस टाइम पे मैं ये किचन का जो वीडियो है वो शूट कर रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पूजा स्टार्ट होने वाली थी तो मुझे पता था इसके बाद ये पूरा मेस होने वाला है। सो येस दिस इज़ द किचन और अभी इसमें मैंने कोई लाइट ऑन नहीं करी है, ये पूरा आप जो भी देख रहे हैं नेचुरल लाइटिंग के साथ देख रहे हैं, ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं ये सब कुछ पूरा स्टार्टिंग से बना है, मतलब सारी चीज़ें चेंज हुई है, सिविल वर्क हुआ है, दिस इज़ द लाइटिंग्स, हमने लाइटिंग्स भी थोड़ा सा देखे स्पेस दे करके लगवाया है ताकि ये जो लाइट है नीचे से अच्छी यूज़ हो सके, सिर्फ फैंसी लाइट्स की तरह नहीं लगवाया है, इट शुड बी यू नो ऐसे हम वर्क वगैरह भी कर सकें इस लाइट्स के यूज़ से। सो ऊपर भी मैंने छोटे छोटे से, मैंने आपको बताया था ना अपनी शेल्व्स ओपन शेल्व्स छोड़ी हैं तो 3 से 4 मैंने ओपन शेल्व्स छोड़ रखी हैं, ये माइक्रोवेव का स्कोप है, मैं भी एक एक चीज़ आपको बताती हूँ कि कहाँ क्या कैसा क्या लगाया हुआ है। ऊपर हम लोगों ने थोड़ी सी एक फॉल सीलिंग का पट्टा लगाया हुआ है सो दैट ऊपर की भी जो लाइटिंग्स है पैनल लाइट लगाई है वो अच्छे से वेल लिट कर दे इसको, और उसमें एक फ़ैन का स्कोप दिया हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी लगती है किचन में काम करते टाइम भाई, तो फैन इज़ अ मैंडेटरी थिंग। वाईफाई लाइट्स लगवाई हुई हैं, स्मार्ट लाइट्स हैं, 3 कलर्स में चेंज होती है, जिस भी कलर का आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो।
तो दिस इज़ द कम्प्लीट किचन. आई एम रियली सॉरी अबीना, एक्चुअली हम लोगों ने ये नहीं निकाला है क्योंकि मेरा सामान शिफ्ट होने वाला है, तो जब मेरा सामान आ जाएगा तभी मैं इसको निकालूंगी, क्योंकि नहीं तो वही गंदा वंदा हो जाएगा. इसका जो साइज रखा है दैट इज 12 इंच है ये, और ये जो ऊपर वाली आपको यूनिट दिख रही है ना, ये हम लोगों ने 15 इंचेस रखी हुई है ताकि अच्छे से सामान आ जाए. एंड दिस इज कंप्लीट, आप देखेंगे तो हैंडल लेस है, हमने कुछ भी हैंडल्स नहीं लगाए हैं ऊपर साइड, तो ये बहुत ही स्लीक एंड अच्छा सा दिख रहा है, बिल्कुल भी ऐसा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा है. इट लुक्स वेरी अमेजिंग, स्पेशियस. और अरे, हमने सॉफ्ट क्लोज जो है वो डोर लगवाए हुए हैं. सो दिस इज द वन कैबिनेट जहाँ पर आप मसाले वगैरह रख सकते हो. काफ़ी बड़े साइज का है, इस अब ये फेबर ब्रांड का है, और इसको मैं ऑन करती हूँ. ये देखिए ऑन हो गई है. सो दिस इज़ द चिमनी, फेबर ब्रांड का है, एंड वी वेंट फॉर अ डकलेस ऑप्शन. मुझे डकलेस वाली चिमनी चाहिए थी. उसका एक तो रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज और तला वाला खाते नहीं हैं, तो हमारे लिए ये एकदम परफेक्ट था. और यहाँ से इसमें ये थ्री इन वन ऑप्शन है, तो इसके अंदर एयर प्योरीफायर भी है, साथ ही साथ यहाँ पर सामने जो आप ये स्कोप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा देखिए वेंट दिया हुआ है, ये विंड का वेंट है, मतलब सामने जो भी कुकिंग कर रहा होगा उसको बहुत अच्छी ठंडी हवा मिलती है. और उसके साथ ही ये जो एक अपना चिमनी का काम करता है, जो सक करता है, वो एक अलग है. सो यस, ये जो ग्रीन वाला भी देखिए मैंने ऑन किया, दिस इज फॉर द फैन. ये जो सामने लगा हुआ है ये फैन का काम भी करता है. उसके बाद ये जो सेक्शन है ना, ये जस्ट हम लोगों ने ऐसे ही इसको कवर करने के लिए लगवाया है. एंड यहाँ पर अगेन, जितना बड़े साइज का ये बना हुआ है ना, उतने ही बड़े साइज का ये वाला सेक्शन बना हुआ है. आप नॉर्मल अपने डेली के जो मसाला ये सब चीज़ें हैं वो रख सकते हैं. और उसके बाद यहाँ पर हमने जो सेक्शन बनवाया है वो बनवाया है इसका वाटर फिल्टर का, वाटर प्योरीफायर का. सो यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है, और ये देखिए यहाँ पर ही नल का कनेक्शन दिया हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लग गया है. आजकल फैशन लगा हुआ है कि यहाँ अंदर वाटर प्यूरिफायर रखते हैं और यहाँ पर वो लग जाता है. सो आई पर्सनली डू नॉट लाइक दैट कंसेप्ट. मुझे ऐसा डर लगा रहता है कि यार कभी यहाँ से, मतलब दिस इज़ द मोस्ट अनहाइजेनिक प्लेस ऑफ द किचन, और यहाँ पर पीने का वाटर प्यूरीफायर मतलब जमना नहीं यार हम लोगों को. भले कितना भी हमको कन्वेंस करने की कोशिश किया हो बहुत लोगों ने, बट मैं नहीं कन्विंस्ड हुई, ना ही मैं और ना ही विक्की. मैंने बोला यार इतनी भी स्पेस नहीं चाहिए कि जो पीने का पानी है जिसके लिए हम जिंदा रहते हैं उसको मैं यहाँ लगा दूँ. मतलब मुझे बिल्कुल बहुत अनहाइजेनिक लगा वो कंसेप्ट, कि ठीक है यार यहीं, ठीक है यहीं लगवाते हैं, यहाँ लगवाया है हम लोगों ने वाटर फिल्टर. उसके बाद ऊपर तो मेरी हाइट ही नहीं जाने वाली है, तो ऊपर का मैं विक्की से ओपन करवा करके आपको बताऊंगी. स्विच इसका एग्जॉस्ट फैन का जो भी आना बाकी है, एग्जॉस्ट आना बाकी है. ये हमारी यूटिलिटी एरिया है जिसपे हम आते हैं बाद में. नाउ अगेन दिस इज़ द एरिया. नाउ यहाँ पर आते हैं हमारा सर्विस प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी बड़े साइज में है. तो ऊपर सेम एज जितना स्पेस इसमें दिया है उतना ही स्पेस यहाँ दिया है. नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, मुझे कुछ पार्ट ओपन चाहिए था. अभी इनकेस मुझे लगेगा बहुत डस्ट आ रही है तो मैं इनको भैया को बोल करके मैं लगवा सकती हूँ, उसका स्कोप है. बट अभी मुझे नहीं चाहिए था, बिकॉज मुझे थोड़ा थोड़ा ओपन स्पेस शेल्फ चाहिए थे अपनी डेकोरेटिव चीज़ें, अच्छे अच्छे वासेज और अच्छे कप्स रखने के लिए. सो यहाँ पर हमने एक लाइट लगवाई है, यहाँ पे भी हम लाइट लगवाना चाहते थे, बट क्योंकि एक्रेलिक है इसके ऊपर ड्रिल नहीं होता, अगर ये ड्रिल होता है तो ये चटक जाता है. ये कंपनी से होकर के आती हैं चीज़ें, हालांकि वहाँ पर पीछे एक वायर हमने छोड़ा हुआ है बट वो नहीं हुआ. ये हमने माइक्रोवेव के लिए एक स्पेस बनाया हुआ है, यहाँ पर प्लग है, स्विच इसका नीचे है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लग एंड स्विच यहीं बना लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो उसको ना करने में दिक्कत आती है ऑन ऑन करने में, तो हमने इसका स्विच यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. बाद ऊपर अगेन डेकोरेटिव स्टफ के लिए है. दिस इज द एरिया फॉर फ्रिज. ये हमारा प्लेटफॉर्म कुछ कंफर्म नहीं था क्योंकि हम सोच रहे थे शायद फ्रिज बड़ा लेंगे, तो उसके लिए जब बड़ा लेंगे तब बड़ा लेंगे तब हटा देंगे. बट अभी के लिए हमने उनको बोल दिया भैया अभी एक्स्ट्रा लगा दीजिए, तो उन्होंने एक्स्ट्रा लगा भी दिया है. वहां पर भी काफी सारा सामान हम रख सकते हैं पीछे वाले प्लेटफॉर्म पे. तो ये जो सेक्शन है हमने ओपन रखा हुआ है, बल्सा एक सेक्शन दिया हुआ है ताकि आप बड़े बड़े स्टील के डब्बे रख सकें, ठीक है. उसके बाद यहां पर भी हमने सिंपल एक पार्टीशन करवाया हुआ है, दैट्स इट. उसके सबसे बेस्ट चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, पीछे भी हमारे यहाँ पे टाइल्स दिया हुआ है, क्लीनिंग वगैरह करने में ना ये बहुत इजी हो जाता है. नाउ अब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ पर भी हमारा यही सिंपल चीज़ें चल रही हैं एकदम, ये देखिए इस तरीके से. सो काफ़ी सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हो. नाउ कमिंग टू दिस साइड, ये हम लोगों ने टैंडम ड्रॉअर्स लगवाए हुए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉअर. नाउ दिस इज़ द सेकेंड ड्रॉअर. एक्चुअली कल पूजा है तो उसी का तैयारी वगैरह चल रही है.
और फिर ये थोड़ा बड़े उसमें है, आप बड़ी बड़ी थालियाँ और प्लेट्स रख सकते हो। फिर यहाँ पर आप अपना पूरा मसाला और जो भी लॉन्ग बॉटल्स होती हैं वो यहाँ पर काफ़ी कुछ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अपने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ, कुकर, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और नेक्स्ट इज़ दिस वन, तो जो बर्तन रखने का सामान है ना किचन का, वो जो यूज़ेबल है वो मैंने सिर्फ ये इतने में ही करवाया है यहाँ पर। तो जिस दिन हमारा किचन हमको रेडी होकर के मिलने वाला था ना, ये गैस पाइपलाइन हमारी फिट होने वाली थी, उस दिन तो भाई एक अलग ही भसड़ हुई है। ये पूरी टाइल्स निकल करके वापस से लगी हुई है, वो एक अलग ही पंगा है, वो मैं कभी और बताऊंगी आपको। सो ये अभी इसके ऊपर ना हम एक आजकल एक शीट आती है प्लास्टिक की, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो बहुत सारे लोग ना जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैंसीनेस के चक्कर में, हमको ये गैस वाले भैया ने ही ये प्रॉब्लम सारी डिस्क्लोज करी थी, जब क्योंकि हमारा किचन बनने से पहले एक ऑलरेडी किचन था जो नॉर्मल हमने लैमिनेट पे बनवा के रखा था टेनेंट्स के लिए, वो किचन हमारा पूरा निकला है। तो हमने गैस पाइपलाइन जब निकलवाई थी ना, तब ये क्वेश्चन उनसे पूछा था कि हम अगर अंदर से ही गैस पाइपलाइन लेकर गया, तो उन्होंने हमको ऐसे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स दिए थे हजारडियस, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग एग्जाम्पल्स थे। तो विक्की बहुत स्ट्रिक्ट था इन चीज़ों के लिए कि यार ये सब फालतू का काम नहीं करना है अपन को जस्ट बिकॉज ऑफ वो अंदर चला जाए। तो इसलिए हम लोगों ने गैस पाइपलाइन जो है वो बाहर से ही रखवाया इसका स्कोप, ताकि ये रिपेयरेबल हो, आराम से मैनेज हो जाए, चेंज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ दिक्कत आए तो हमें तुरंत पकड़ में आ जाए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो मैनी थिंग्स। सो दिस इज द किचन। बाहर यूटिलिटी एरिया बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आता है हमारा यूटिलिटी एरिया। सो यहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन आएगी, हमारी वॉशिंग मशीन इतने साइज में एकदम फिट आती है। अलग से यहाँ पर स्विच दिया हुआ है, देन यहाँ पानी का स्कोप दिया हुआ है, वो पानी ड्रेनेज के लिए है। सो यहाँ पर वॉशिंग मशीन आएगी। उसके ऊपर हम लोगों ने जो हमारा पुराना किचन के जो यहाँ पे बने हुए थे ना, उसका हमने ये लगवा लिया एक बनवा करके, ताकि वॉशिंग पाउडर इसको ना भी मैं थोड़ा फिनिश करूँगी यार, यहाँ पर ना मैं पुट्टी लगा करके या कुछ लगा करके इसको लेवल करके इसको एक पेंट मार दिया जाएगा जब टाइम मिलेगा तब। दिस इज़ नॉट प्रेफरेंस पे नहीं है, बिकॉज ये यूटिलिटी एरिया था, हम इसको यूटिलिटी की तरह ही अभी रख रहे हैं। तो यहाँ पर यू नो बहुत सारे से काम काम की चीज़ें होती है, वो आ जाएगी। जो पुरानी वुड थी हमको वो यूज़ करना था, फेंकना नहीं था, इतना पैसा लगाया था उसमें भी, तो ऐसा है। तो ये हम लोगों ने बनवाया है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने किचन को इस तरीके से पूरा कंसील करवा दिया है, ठीक है, ये पूरा हमने कवर करवा दिया है। भाई मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, है ना, ये इस तरीके से ओपन भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं है आप पूरी तरह से पैक हो गए हो, यू कैन ओपन इट इजीली, जब आप चाहो तब आप इसको ओपन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है। एंड क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर है ना, तो मैं सोच रही हूँ नीचे के साइड में मैं शावर कर्टन लगाने का सोच रही हूँ, क्योंकि एकदम से नीचे से ना सब दिखता है। तो लेट्स सी, वो बात की बात है, क्या करेंगे वहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। सो वहाँ पर ना हमने इसको पैक करवा दिया है। सो ये देखिए, ये हमारी पाइपलाइंस है, इसको हम कवर नहीं कर सकते हैं, यहाँ नीचे हमने पैक करवा दिया है और ऊपर से भी हमने पैक करवा दिया है। और ये साइड से हमको कुछ करवाना है, यहाँ पर भी मैं देखती हूँ क्या करवा सकती हूँ, तो वो भी पैक हो जाएगा। सो अब इधर पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डायसन हैंग करने का सोच तो रही हूँ मैं, लेट सी। विक्की मना कर रहा है यहाँ डायसन हैंग करने के लिए, उसको लग रहा है ऊपर से पानी वगैरह आ जाए कभी, इन केस वो इतनी महंगी चीज़ है ख़राब ना हो जाए ये वो, तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। बट हमारा जो डस्टबिन वगैरह एरिया रहने वाला है वो मैं यहीं कॉर्नर पर रखूँगी। अब आते हैं हमने हॉब क्यों नहीं लगवाया है। सो हॉब नहीं लगवाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हॉब इज नॉट मेंट फॉर इंडियन कुकिंग स्पेशली। लोग लगाते हैं बिकॉज वो दिखता स्टाइलिश है, इतने महंगे किचन में वो लगता बहुत सही है, इसलिए हॉब जनरली लगा तो लेते हैं। बट एक तो वो ना मेंटेनेंस उसका बहुत खतरनाक है, लोगों के उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हॉब के। दूसरी चीज, अगर गलती से भी आपका हॉब 2 साल में 3 साल में कभी गलती से भी खराब हो गया ना, अगर हॉब का जो बर्नर होते हैं वो खराब हो गए, तो आपका जो पत्थर होता है वो उसी साइज का कट होता है। सब हॉप के जो साइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो आपको सीधे वही हॉप से उस हॉप को रिप्लेस करना होता है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर वो खराब हो जाता है तो आप किसी लोकल वेंडर के पास नहीं जा सकते हो, यू हैव टू कॉल कंपनी वाला बंदा ही, आप उसको पूरा यू नो क्लीन नहीं कर सकते हो। जिसमें से हम जैसे लोग, मतलब आई एम नॉट अ कुकिंग एक्सपर्ट एंड आई एम नॉट अ कुकिंग लवर एज वेल, मेरे यहाँ पे किचन विक्की भी यूज करता है, मैं भी यूज करती हूँ। विक्की थोड़ा मैसी तरीके से किचन यूज करता है, इवन मैं भी बहुत मैसी तरीके से किचन यूज
यूज़ करती हूँ। गलती से भी जैसे हम दाल बनाते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है पानी ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका जो पानी होता है वो हमारे जो गैस का बर्नर होता है उसके अंदर घुसता है। कितनी बार ऐसा होता है दूध उफन जाता है तो वो हमारे उसके अंदर घुस जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग जो हमारे किचन में तो होती रहती है। चावल कभी पानी ज़्यादा हो गया तो बाहर निकल रहा है, ये सब हमारे यहाँ बहुत होता रहता है। सो हमको ऐसा ईजी टू मेंटेनेंस, अभी वो हॉब के अंदर घुस जाएगा वहाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो बर्नर के अंदर भी मैंने देख रखा है लोगों के घरों में एकदम नीचे से बर्नर में वो जो गंदगी होती है ना वो जमी ही रहती है, आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। जब आपको सर्विसिंग करानी होती है आप तभी वो क्लीन करा सकते हो। तो देखो मेंटेन करने वाले मेंटेन भी करते हैं, वो मना नहीं कर रही हूँ मैं, इट्स योर चॉइस एंड योर प्रेफरेंस। मेरा प्रेफरेंस एंड चॉइस नहीं था, मेरे को सिंपल एक रफ एंड टफ गैस चाहिए था, स्टील का ही, अच्छे क्रोम फिनिश में। एक से एक गैसेज आते हैं, एक से एक डिजाइन आती हैं आजकल तो। यस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप काफी सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर नहीं करे हैं, कोई आपका डाउट रह गया है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं किसी और वीडियो में या कॉमेंट में ही आंसर कर दूंगी छोटा मोटा डाउट होगा तो। सो यस दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप रियल लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment down below. See you in my next video. Till then, bye.